न्यूजीलैंड ने एक बेहद रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को पांच विकेट से हराया और टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई लेकिन इस सेगमेंट में हम बात करते हैं सबसे इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस की आप देख रहे हैं ड्रीम बिग चैंपियन ऑफ द डे पावर्ड बाय ड्रीम इलेवन। और इस सेगमेंट के लिए हमने चुना है जिमी नीशम को टूर्नामेंट की चार पारियों में उनका स्ट्राइक रेट 175 करा है इतना इंपैक्ट उनका इस पूरे टूर्नामेंट में रहा है लेकिन एक चीज यहाँ पर अगर हम उनकी पारी के बारे में रन तो और हर एक का रोल होता है और टी में शायद और भी डिफाइंड हो जाता है रोल क्योंकि जिस नंबर पे आप खेलते हो या तो आप अगर छह पे खेलते हो तो कभी पच्चीस पे चार पे बल्लेबाजी आती है या फिर आपको दस गेंद गेंदे खेलने का मौका आता है तो आई थिंक दोनों तरीके से आप आई एम श्योर sure, बल्लेबाज जो उस पोजिशन पे खेलता है प्रिपेयर करता है बहुत मुश्किल पोजिशन है वो बल्लेबाजी के लिए या जब आप आउट ऑफ फॉर्म हो फॉर्म में वापस आने के लिए भी बहुत मुश्किल पोजिशन है क्योंकि कभी कभी हो, ऐसे भी हो सकता है कि दो तीन मैच आपको बल्लेबाजी ना आए तो बहुत क्रेडिट है जो वहां बल्लेबाजी करते हैं और उनको हमेशा हमें लीवे देना चाहिए क्योंकि अः सबसे मुश्किल शायद वो पोजीशन है जहाँ जो ऊपर खेलता है उनके लिए आसानी होती है ज्यादा गेंदे मिलती है तो कमाल का प्रदर्शन रहा निशम का खास करके सेमीफाइनल में ऐसी पारी खेलना और मैच को बिल्कुल पलट देना एक ओवर में वो जॉर्डन के तेईस रन आए थे वहां पर क्या था बल्लेबाजी शानदार थी या कहीं गेंदबाज से चूक हो गई नहीं गेंदबाज से जरूर चूक हो गई क्योंकि जो नीशम की ताकत है जो आंख है उनका जिस तरीके से लेग साइड पे ज्यादा बड़े शॉट लगाना पसंद करते हैं वहां गेंदबाजी हुई लेकिन क्रेडिट बैट्समैन को जाना चाहिए आप चाहे नेट प्रैक्टिस में भी आपको गेंदे बोलर फेंकता है अपने, अपने स्लॉट में लेकिन बहुत बार आप कनेक्ट नहीं कर पाते और ये तो सेमीफाइनल का दबाव था जहाँ आपको 14 चौदह पंद्रह रन ओवर प्रति ओवर की जरूरत थी उस वक्त और तब आपको बड़े शॉट लगाना है और कनेक्ट करना है तो क्रेडिट पूरा निशम को है चाहे उनके स्लॉट में गेंदे हो आ, उसको लंबे या बड़े शॉट लगाना बल्लेबाज के ऊपर है वो उन्होंने किया आज तो आप देख रहे थे ड्रीम बेग चैंपियन ऑफ द डे पावर्ड बाय ड्रीम इलेवन